गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आए हो बच्चे होंगे तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार, बुधवार की सुबह हो रही है अभी 8:30। तो आज अभी से मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 8:30 से, और मेरे साथ है गुड मॉर्निंग। कायरू पापा। और रात को उन्होंने केक नहीं काटा, केक नहीं, मैं केक नहीं काटता। नहीं काटते, केक के खिलाफ है ये। तो मैंने बनाया आज भिंडी की सब्जी, जो कि हमारे कायरू पापा की बहुत फेवरेट है। और आज मैंने, मुझे दो तीन तरह ये बनाने आती है, पर मैंने फर्स्ट बनाया क्योंकि अभी मैंने गर्मी में पहली बार बनाया ना, ये अभी गर्मी में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना। तो अभी मैंने बनाया सिर्फ प्याज डाल के और हरी मिर्च डाल के, और उसके बाद मुझे बहुत तरह की आती है, अभी तो शेयर करूँगी आप लोगों से। और मैंने आटा गूंथ के रखा क्योंकि अब मैंने ना रात की आटा गुनबा के दीदी को मना ही कर दिया। पहले मैं गुनबा के रखती थी कि थोड़ी सी इन लोगों की लंच बनाने में मुझे आसानी होगी, लेकिन अब मैं इनको मना कर दिया कि नहीं गूंदा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा होता है कि बासी आटा नहीं रखे रहते हैं ये वो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मतलब बता रहे फ़ोन में चाहे से। तो फिर मैंने कहा नहीं गूंदो तो मैं फ्रेश गूंद लूँगी। इस चक्कर में मैं फ्रेश ही आटा गूंद रही हूँ आजकल, और चाय मैंने अभी तक बनाई नहीं क्योंकि दूध नहीं आई, दुकान पे दूध नहीं है। तो पापा देखो लेके आते हैं थोड़ी देर से, 9 बजे का मेरे ख्याल से। तो और हमारे कार्य पापा ऑफिस जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। ये कैमरा के सामने आके, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, पता नहीं कैसे ये इतना बोलने वाली बीवी मिल गई उन्हें। उनकी नसीब में लिखी थी, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ लिखी थी है ना। कायर पापा की मैंने रोटी तो पैक कर दिया, मैंने सब्जी अभी तक पैक नहीं किया क्योंकि आज जल्दी खाना बन गया। और ये कह रहे 10 मिनट लेट जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ी बैठ जाती। मैंने उनसे पूछा जूस पियोगे? जूस पियोगे आप? फिर एक बार पूछ ले लोग, वरना लोग सोचेंगे शायद ये अपने हस्बैंड को पूछते नहीं। ये नाश्ता ही नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या है, नाश्ता चाय कुछ नहीं। और हम लोग बिना चाय पिए, हम लोग सवेरे नहीं होती, ऐसा लगता है कि अभी भी सुबह ही नहीं हो जब तक चाय नहीं पीऊंगी। हाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, अभी तो थोड़े बीच पे गर्मी पड़ने लगी थी, पर अभी नॉर्मल हो गया, थोड़ा मौसम बारिश बारिश हुई। ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो ऐसा लगेगा नहीं चाय नहीं, कुछ जूस वूस दे दो ठंडा ठंडा है ना कहे पापा। जूस वूस तो पी लेते। फाइनली पापा लेके आ गए दूध, अब बनेगा चाय जब जाके मूड फ्रेश होगा। दीदी और मेरी चाय निकाल लिया है मैंने, बाकी तो सब सो रहे हैं अभी। चाय के संग मैंने बिस्किट ले लिया, बिस्किट था नहीं, टूटा फूटा था, टूटा फूटा है ना, कोई बात नहीं यही चल जाएगा। लंच में क्या ले जाओगी? क्या? अरे रोटी में भी ऑप्शन है ना, जैसे रोटी पराठा। तो रोटी चाहिए बना दूँ? ठीक है, भिंडी है। बुआ को भिंडी बहुत पसंद है ना, इसलिए पूछना पड़ता। क्या चीज तुम्हें पसंद है यार? ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, बस इन्हें बिरयानी पसंद है, जो कि मेरी पसंद है, इन्होंने कॉपी कर लिया है, कोई बात नहीं। क्योंकि पहले चिकन नहीं खाती थी बुआ। तो दीदी के लंच मैंने लगा दिया यहाँ पर, रोटी रख दिया मैंने 3, पराठा लेके नहीं जा रही हूँ। अरे पीहू दीदी आज जल्दी उठ गई हैं, कल उठी थी 12 बजे सो के, आज तो 10 बजे सो के उठ गई हैं, और सो के उठ के साथ जूता पहन लिया, शायद बाहर जाने होने है ना। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर की नज़ारा, मतलब धूप निकल आई है, अंदर रहो तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी, काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है। यहाँ पर धूप आ जाती 11 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। पापा अभी आए नहीं ऊपर से। और एक चीज दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, ये तुलसी का पेड़ तो मुझे लग नहीं रही कहीं से भी। हाँ लग तो नहीं रही, पता नहीं कुछ किस चीज का पेड़ है, कंफ्यूज हुआ अभी भी मैं। तुलसी के पेड़ आने हैं यहाँ पर एक, क्योंकि पापा भी हाल में लेके आए थे, वो भी सूख गया था। बुआ की अलमारी, हाँ गॉड ब्लेस यू। बुआ की अलमारी से क्या ले रहे थे आप, जल्दी बताओ क्या चाहिए था आपको? अच्छा हैंकी, बंद करो फिर अलमारी, बंद कर दो, बंद करो अलमारी।
बंद करो, बंद करने के लिए बोला था मम्मा ने, खोलने के लिए नहीं। यू बाय करो जल्दी, यू बाय जा। आप पीयू ने दोनों भाई बहन को साइड छोड़ दिया और पीयू कह रही मैं ही जाया करूंगी, अब इन लोगों को लेके नहीं जाओ। बाहर जाने के नाम से तो इतनी खुश बच्चे। चलो बुआ बाय। लंच उठा लिया था? ये हो रही सुबह की हम लोग की नाश्ते की तैयारी, क्योंकि भिंडी जो बनाई थी मैंने वो तो खत्म हो गई। खत्म हो गई तो फिर आलू फ्राई किया, बच्चे भी खा लेंगे, और पराठा बना के रख दिया है। बच्चे तो हमारे दो बच्चे सो रहे हैं, एक जग रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, इनके लिए रख दूंगी, खा लेते ये लोग भी आलू फ्राई। और हम लोग कर लेंगे नाश्ता, अभी बज रहा है 11। मम्मी पापा नाश्ता करके जा चुके हैं, आटा उठा के रखेंगे, उसके बाद अपनी काम चालू करेंगे, कोई भी काम हम करा नहीं है। मैंने बंद किया क्योंकि कूलर से बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, मेरे वीडियो में अच्छी आवाज़ नहीं आती, बहुत ज़्यादा पीछे से आवाज़ आती है, तो मैंने कहा पहले कूलर बंद करूँ। पंखा मैंने चालू कर दिया क्योंकि बच्चे अभी भी सो रहे, और यहाँ रात के जो करेले बने थे वो तवे पर रखा गर्म करने, क्योंकि मैं मम्मी को तो करेला देना भूल गई थी। तो मैं पी रही हूँ नॉर्मल पानी क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, और 2-3 दिन से मैं लगातार हाथ से कपड़े धो रही थी, इस चक्कर में और ज़्यादा गला ख़राब है, क्योंकि हाथ से कपड़े धोने का बाद रहा नहीं है। जब से कायर हुआ है तब से कायर मतलब का कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। पहले तो वॉशिंग मशीन नहीं था, वॉशिंग मशीन लिए हुए 2 साल हुए, क्योंकि कायर के भी जितना साल हुए वॉशिंग मशीन भी इतना साल, जैसे ही कायर हुआ था फिर उसके बाद इसके पापा ने वॉशिंग मशीन उठवाए थे, क्योंकि कपड़े धोने में मेरे मतलब कि ये ऑपरेशन से हुआ था तो दिक्कत होती थी, तो इसलिए वॉशिंग मशीन उठवाई थी। तब से कपड़े धोना बिल्कुल ही हाथ से मतलब धोते नहीं है, तो अब बीच में ऐसा हो रहा था कपड़े बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहे थे, और फैमिली बड़ी हो रही है, बच्चों के कपड़े ज़्यादा निकल आती है। तो मेरे लाल की गुड मॉर्निंग हो चुका है, और अभी कितनी बज रहा है आपको पता है? आप शो के कितने बजे तक उठे हो पता है? पता नहीं है? कल आपने कैसे कांच खाया था ये बताओ। कांच कोई खाने की चीज़ होती है? बेड मैंने झाड़ के चादर वही बिछाया, मैंने बेड चेंज नहीं किया मैंने, टमाटर इन लोग खाते और बेड पे गिराते रहते हैं बस। और दीदी लगाई थी झाड़ू, इस रूम में पीहू सो रही थी तो लगा नहीं पाई, अभी लगाएंगी। और किचन आज मैं बर्तन वर्तन संभालूंगी, मतलब क्योंकि मुझे सब तो किचन आज मैं संभालूंगी, जो कि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, बेड झाड़ रही थी मैं, और कार उठ चुका था तो उसके मुँह वूह धुला रही थी मैं, क्योंकि मुझे आज आलू दम की सब्जी बनाना है, मतलब आलू दम मेरी फेवरेट। और बॉटल वॉटल भर के रखूँगी, अभी कुछ भरा नहीं मैंने। सबसे पहले तो दीदी ने वॉशिंग मशीन लगा दी, जो कि सही है क्योंकि मौसम आज थोड़ा धूप कम निकल रही है। आप क्या कर रही हो? अच्छा भाई फिर से पहुँच गए बाहर। दीदी ने थोड़ा बालकनी, धूप आ रही जा रही, तो मैंने कहा पहले कपड़े लगा लो, कपड़े सूख जाएंगे तो सही है। और मेरे बोलने पर उन्होंने चिड़िया पे पानी डाल दिया, वरना वो भूल जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बालकनी में धोती हूँ ना, तो उन्हें आदत में नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया आलू, मैं बनाऊँगी आलू दम छोटे वाले कुकर में, सोच रही हूँ बॉयल कर लेती हूँ। और बाकी तो सारे बर्तन वर्तन मैंने धो के रख दिया है, सारे काम हो चुका है घर का भी, जल्दी हो गया काम वाम, अब बस बच्चे नहाने के लिए रह गए, वो भी सोच रही पहले आलू चढ़ा दूँ फिर तैयार करती हूँ मैं कारू को। तो नहा चुकी हूँ, लेकिन एक खबर है जो बुरी है, वो है सिलेंडर ख़त्म हो गया, सब्जी बन पाई सिर्फ, चावल धो के रख दिया था मैंने, चावल नहीं बन पाए, अब लग रहा भूखे मरना पड़ेगा। नहीं भूखे तो नहीं मरेंगे खैर, लेकिन सिलेंडर वाला जो सिलेंडर दे के जाता है वो गांव गया है, वो गया है गांव, और ज़रा से देर करके कि गेट खुलता है तो ये लोग पहले निकल आते हैं, सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी बात। गाँव गया, पता नहीं सिलेंडर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है, सब नहा धो के बस बैठे। खाना मैंने पापा के निकाल दिया है, बहुत दिक्कत हो रही थी, सिलेंडर ख़त्म हो गया, सिलेंडर में नहीं मिल रही थी, फिर मैंने ये वाला चूल्हा निकाला, ये वाला निकाला फिर मैंने इसमें बनाया। तो पहले मैं पापा को दे के आती हूँ खाना। खाना तो हम लोग खा चुके, बर्तन भी मैंने धो के रख दिया है, गैस वैस भी साफ कर दिया है, क्योंकि सिलेंडर ही नहीं आ रहा तो बड़ा दिक्कत की बात हो गई, यहाँ रख के तब जाके ये वाला प्लग बोर्ड से तब जाके आज चावल बने, क्योंकि बाकी का सब बोर्ड ऐसे ही है, इन्वर्टर से कनेक्शन है,
तो बोर्ड जला देगा, इस चक्कर में मैंने किया नहीं। और कायरू को मैंने सुलाया नहीं, तो खेल रहा है कायरू, मैंने कहा चलो खेल लो। और कपड़े पे सूख गए तो सूख के उठा लो, 6 तो बज ही गए। और ये ना ही नित्तो दिन सोई ना ही कायरू सोया है ना नित्तो दीदी। गर्मी तो पड़ रही है अब धीरे धीरे, बारिश के मौसम तो गई। और पीहू और दीदी सो रही हैं, तो मैंने कहा सो लें दो, मैं ही कपड़े अपने उठा लेती हूँ। कपड़े मैंने उठा लिया है, बज रहा 6:15 हो रहा, अभी तो 6:15 हो रहा है, तो झाड़ू तो लग नहीं सकता। और बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि खाना पीना तो जल्दी हो गया था, लेकिन गैस के चक्कर में दिमाग टेंशन में था। फ़ोन लगाए थे इधर उधर, पापा को लगाया, फिर वो जो सिलेंडर देते हैं उनको लगाया, तो वो तो गाँव में। और उसके बाद ये मैं दिमाग से ही उतर गया था कि ये वाला चूल्हा रखा है अपने पास, इंडक्शन चूल्हा बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या, मुझे बोलना नहीं आता, वो रखा है। तो मैंने सोचा कि बाद में मेरे अचानक से दिमाग में आया, मैंने कहा अपने पास तो चूल्हा रखा है, तो मैंने कहा कुकर में चावल चढ़ा, ये तो जल जाता है इस पर। फिर मैंने निकाला, बहुत टाइम बाद, कम से कम करीब 3 घंटे के बाद मैंने ये चूल्हा निकाला। ऐसी भागदौड़ में दिमाग चल ही नहीं रहा था, बहुत टेंशन था। सिलेंडर एक महीना भी नहीं चला, सिलेंडर ने ऐसे धोखा दिया है, जाने भैया क्यों नहीं चल पाता इतना जल्दी, मतलब इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाता है। चढ़ भी तो बैठते हैं, 24 घंटा खाना बनता रहता, तो ख़त्म तो हो गई, ये भी एक बात है। मैंने कर लिया है, और बड़ा वाला सिलेंडर तो खैर मिला नहीं, पापा ने छोटा वाला सिलेंडर लगाया, और छोटा वाला सिलेंडर के साथ पापा ने ये वाला शिफ्ट कर दिया। वैसे छोटा वाले के साथ छोटा वाला चूल्हा भी है, और पापा को ये सब काम आता है करना, उन्होंने मैनेज कर दिया। देखते हैं कब तक रहेगा ऐसी मैनेजमेंट, खाने का भी कुछ पता नहीं है। पूजा हो चुकी, ये है छोटा वाला चूल्हा हमारी, तो पूजा मैंने कर लिया है, दियावती शाम की हो चुकी है, कायर पापा अभी तक आए नहीं है। और आज चाय पीने के लिए पब्लिक नीचे ही आ गए, पब्लिक में एक है कायर की दादी, कायर की बुआ, और दादा बालकनी में है, और बाकी तो हम लोग है। तो आज गैस गैस की बात हो रही थी चूल्हे की, तभी नीचे आए लोग। कायरू को आज मैं दोपहर में सोने नहीं दिया, तो अब वो खेल रहा है दादा के संग, कायरू खेल रहा है दादा के संग, पीयू खेल ली दादी के संग, और जानू खेलना चाह रही मम्मी के संग, सोना चाह रही, सही बात है, दोनों भाई बहन सोना चाह रहे हैं। अब पहले तो चाय पियेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि शाम को क्या बनाए। तो मैंने सुबह की इनकी तैयारी कर ली है, बीन्स काट लिया है, वहाँ टीवी देख रहे हैं हमारे राजा बाबू मतलब कायरू। और यहाँ चाय निकाल दिया था दीदी ने, तो मैं थोड़ी ठंडा करके पीती हूँ, और जब तक तो ये पी चुके हैं, इनकी खा ली है ये बहुत जल्दी पीती हैं, इनकी बस ना चले तो ये खोलते साथ ही खा ले पी ले। तो भैया पापा गए पालक लेने, तो शायद मसूर की दाल डाल के पालक बनेगी, और जो भी मैं पहली बार बनाऊँगी, मैंने नहीं बनाया था ना अभी मसूर दाल के, वैशाली बोल रही थी ना एक बार बनाने की, वैसा ही बोल रही थी, तो देखते हैं पापा क्या लाते हैं। वो बैठे बैठे कमर दर्द हो गई, क्योंकि लहसुन अदरक की पेस्ट बना रही थी, बस छील के रखा भी बनाई नहीं, बनाऊंगी उसी बीच कमर दर्द। पापा लेके आए सब्जी, दीदी रख रही थी, क्या लेके आए, मिर्च और बैंगन, छोटे वाले बैंगन लेके आए, पालक लेके आए, देखना कौन रहा है, चिकन, क्योंकि सब्जी रखी है दम आलू, तो चिकन लेके आए। हम लोग की खाना निकल चुकी है, मम्मी पापा खा चुके हैं, दीदी खाना खा रही है, और भैया अभी आए नहीं ऑफिस से, वो आएंगे लेट। और कायरू की आंख में नींद नहीं है हमेशा की तरह ही, अभी बज रहा 11, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, मैं और दीदी खाना खा रहे हैं, और मम्मी पापा खाना खा चुके हैं। तो मैं अपनी ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मेरी तरफ से सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट।